बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जिन लोगों का जन्मदिन 8 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बदलाव के योग दिखाई दे रहे हैं। करियर तो बदलेगा ही, आपके स्थान में परिवर्तन भी होगा और आपके लिए यात्राओं की संभावना भी बनेगी। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर आने वाले साल में ठीक रहेगी। साल के अंत में स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य के लिए बहुत सावधानी रखेंगे वर्ष के अंतिम समय में। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शनि देव के मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब आप आरती ग्रहण करते हैं, अपने हाथों से लेते हैं, आंखों पे लगाते हैं, सर पे लगाते हैं उस ऊर्जा को, उस तेज को, तो उसके बाद थाल में पैसे डाल देते हैं। कितना सही है ये। आरती ग्रहण करते समय आप ईश्वर की ऊर्जा को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। जो अग्नि जल रही है आप ऐसे हाथ फिराते हैं, वो ऊर्जा आपके हाथों में आती है, उसको अपनी आंखों पे, सर के पीछे लगाते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। अब उसमें पैसा डालने वाला सिस्टम कहां से पैदा हो गया, ये समझने की बात है, क्योंकि आप ईश्वर को तो धन दे नहीं सकते, तो आप उसमें पैसा क्यों डालते हैं। और जो ज्योति है, जो प्रकाश है, हम ऐसा मानते हैं ना कि वो ईश्वर है, तो उसमें पैसा मत डालिए। उस आरती की थाल में पैसा डालने का प्रयास मत करिए। अगर आपको पैसा देना ही है, पुजारी जी को देना है, उनके हाथ में दे दें या दान पात्र में डाल दें, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन आरती की थाल में पैसा मत डालिए, अग्नि का और ईश्वर के प्रकाश का, ज्योति का अपमान मत करिए। आज जिस राशि को हम बताने जा रहे हैं, विशेष बात, खास बात, वो राशि है धनु राशि। धनु राशि को समझना चाहिए कि आपकी 7.5 उतर चुकी है और आपकी चीजें अब धीरे धीरे बेहतर होंगी, धीरे धीरे अच्छी होंगी। अगले 2.5 महीने हैं आपके पास, 13 जुलाई तक का समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। इस 2.5 महीने में अपने महत्वपूर्ण काम निपटा लीजिए, कोई काम मत छोड़िएगा। अगर आप इस 2.5 महीने का समय का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर 6 महीने तक की रुकावट आ जाएगी। इसलिए धनु राशि वालों को स्पेशल सलाह है, गुड लक सलाह है आपके लिए कि इस 2.5 महीने का सही इस्तेमाल जरूर करिएगा।